यह लामिया साम्राज्य के परियों की एक खूबसूरत कहानी है, जहां पर परियां, एल्फ्स, जाइंट्स, मॉन्स्टर सभी लोग मिलकर के एक इंसान के राज्य में रहते हैं। यहां परियों के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, इसका नाम एला है। एक दिन इसके पास इसकी माँ और मौसी आती है और इसे प्यार कर रही होती है। तभी यहाँ एक और परी पहुँच जाती है, इसका नाम लुसिंडा है। यह नए नए जन्मे बच्चों को गिफ्ट यानी कि वरदान देती है, इसलिए ये भी एला को आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट होने का वरदान देती है। इस वरदान में बेसिकली होता यह है कि एला को जो भी कुछ करने के लिए कहा जाएगा वह उसे करेगी। लेकिन एला की माँ और मौसी लुसिंडा से कहती है कि अपना वरदान वापस ले लो, क्योंकि लुसिंडा का जो वरदान है आगे चल करके सभी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लुसिंडा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इसे वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गिलहरी में जरूर बदल सकती हूँ। तो इसकी माँ और मौसी डर जाती है, फिर लुसिंडा यहाँ से चली जाती है। फिर समय गुजरता है और एला थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन लुसिंडा द्वारा दिया गया वरदान अब इसके लिए धीरे धीरे परेशानी बन चुका है, क्योंकि जब भी कोई इसे कुछ करने के लिए कहता तो इस वरदान के कारण इसको ना चाहते हुए भी वह काम करना पड़ता है। एक दिन एला अपनी माँ और मौसी से कहती है कि आप भी तो पढ़िया हो, तो फिर मेरा वरदान वापस क्यों नहीं ले सकती हो। तो इसकी माँ बोलती है कि सिर्फ वही पढ़ी इसे वापस ले सकती है जिसने इसे दिया है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ लुसिंडा ही इस वरदान को वापस ले सकती है। एक दिन एला की माँ की तबीयत बहुत खराब होती है, मतलब यह अपने अंतिम समय में है, और यह एला से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने गिफ्ट के बारे में किसी को भी और कभी भी नहीं बताओगी, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई एला के साथ इस वरदान के कारण कुछ गलत ना कर दे। यहाँ तक कि एला को अपने पिता को भी बताने से मना करती है, और फिर एला की माँ की यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले इसे वह एक लॉकेट देती है। अब एला बड़ी हो चुकी है, तभी इसके पिता इसे बताते हैं कि मुझे एक अमीर औरत से मजबूरन शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। कहने का मतलब इनको पैसे की ज़रूरत होती है। और साथ में इसके पिता पीटर ये भी कहते हैं कि उसकी दो बेटियां भी हैं जिसके साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। एला यहाँ पर हालांकि मानती तो नहीं है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि सचमुच में हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये करना ही होगा। तो एला भी यहाँ पर मान जाती है। फिर एक दिन इसके घर पर इसकी सौतेली माँ ओल्गा और उसकी दो बेटियाँ हैटी और ओलिविया पहुँच जाती हैं, जो कि अब से यहीं रहेंगी। ओल्गा को एला का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। फिर हैटी और ओलिविया एला से कहती है कि मुझे रूम दिखाओ, और जब एला इसे रूम दिखाती है तो यह कहती है कि यह बहुत छोटा है, इसलिए मुझे तुम्हारा रूम चाहिए। तो एला को यहाँ पर चूंकि इसने ऑर्डर दिया है, इसलिए एला तुरंत ही अपना रूम इसे दिखाती है। फिर हैटी एला से कहती है कि मुझे तुम्हारा लॉकेट चाहिए, लेकिन एला कहती है कि मैं इसे नहीं दे सकती हूँ। लेकिन तभी हैटी इसे ऑर्डर देती है, और इस ऑर्डर के कारण एला तुरंत ही अपने गले से निकाल करके वो लॉकेट इसको दे देती है। फिर इसके पिता को एक काम से बाहर जाना पड़ता है, और क्लासरूम में एला हैटी को इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन हैटी यहाँ पर एला काफ़ी इंसल्ट करती है, और वह जो भी एला को कहती एला को वह करना पड़ता। साथ ही साथ हैटी को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि वह जो भी एला को ऑर्डर देती वह तुरंत ही उसे कर देती है। फिर हमें एक घोड़ा गाड़ी में लामिया के राजा, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो इनका राजा एडगर को दिखाया जाता है, और इसके साथ इसका भतीजा भी होता है जिसका नाम चार है, जो कुछ ही दिनों में लामिया का राजा बनने वाला होता है। एडगर के पास एक बोलने वाला सांप भी होता है, इसका नाम हेडसन है, और यह एडगर का जासूस होता है। ये दोनों यहाँ पर एक मॉल की ओपनिंग में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो यहाँ की सभी लड़कियाँ चार पर पूरी तरह से दीवानी हो जाती है। तभी यहाँ पर चार की एंट्री होती है, और इसके आते ही सभी लड़कियाँ चार चार कर करके चिल्लाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एला और उसकी फ्रेंड एड्रिया भी होती है, जो चार के आते ही एक पंपलेट लेकर के इस मॉल का ओपनिंग का विरोध करने लगती हैं। लेकिन हैटी, जो कि चार को बहुत ही पसंद करती है, एला को ऑर्डर देती है कि तुम अभी घर चले जाओ, और एला को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। इधर सभी लड़कियां चार की तरफ भागती हैं, और चार यहां से किसी तरह से बच करके बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में चार एला से टकराता है, और पहले ही नज़र में उसे एला पसंद आ जाती है। यहां पर एला जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम लोग बहुत ही क्रूर हो, तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तभी चार यहां एला को रुकने के लिए कहता है, और एला एकदम से रुक जाती है। तभी एला की तरफ एक घोड़ा गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, और एला को वह टक्कर मारने वाला ही होता है कि चार यहाँ एला को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर हैटी और ओलिविया भी पहुँच जाती हैं, और एला को यहाँ पर मॉल वापस जाने के लिए कहती हैं, और एला ओलिविया के साथ मॉल में वापस चल जाती हैं। हैटी यहाँ पर चार को डेस्परेटली पसंद करती है,
और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चार वहाँ से भाग जाता है। इधर मॉल में एला को उसकी दोस्त एड्रिया पूछती है कि हैटी तुमसे जो भी कहने के लिए कहती है तुम ऐसा क्यों करती हो, तो एला किसी तरह से इस बात को टाल देती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी हैटी भी मॉल में पहुंच जाती है और एला को यहाँ पर चोरी करने के लिए कहती है। एला को चुराना पड़ता है, लेकिन उसे चीज़ों को चुराते हुए एक पुलिस वाला देख लेता है और फिर एला को यहाँ पर ये लोग पकड़ लेते हैं। फिर इसकी मौसी जिसका नाम मैंडी है इसे छुड़ा करके घर पर ले आती है, लेकिन एला के जेल जाने से इसकी सौतेली माँ ओल्गा काफ़ी गुस्सा होती है और उसे कारण पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की। यहाँ हैटी कहती है कि इसे एला की दोस्त एड्रिया ने चोरी करने के लिए कहा था, इसलिए ओल्गा एला को ऑर्डर देती है कि तुम एड्रिया से अभी के अभी दोस्ती तोड़ दोगी और उसे बोलोगी कि कभी भी तुमसे वह ना मिले। एड्रिया भी इसी तरफ आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके दरवाजे पे पहुंचती है एला को ना चाहते हुए भी उसे दोस्ती तोड़नी पड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। और पहली बार एला को इस वरदान के कारण बहुत फूट फूट कर रोना पड़ता है, क्योंकि इस वरदान की वजह से उसने अपने बचपन की दोस्त को खो दिया है। तभी वह डिसाइड करती है कि वह लुसिंडा को ढूंढेगी और उसे यह वरदान वापस लेने के लिए कहेगी। तभी इसकी मौसी मैंडी से एक किताब देती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बेनी था जिसे मैंने गलती से एक किताब में बदल दिया था। दरअसल मैंडी का जो जादू है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए वह इस तरह की गलतियाँ करते रहती थी। मैंडी एला को यहाँ पर बताती है कि तुम बेनी से जिस भी आदमी को दिखाने के लिए कहोगी वह उसकी तस्वीर यहाँ दिखाएगा। तो एला यहाँ पर बेनी से पूछती है कि लुसिंडा कहाँ पर है, तो बेनी उसे दिखाता है कि लुसिंडा जाइंट वैली में एक शादी अटेंड करने के लिए गई है। जाइंट वैली वह जगह है जहाँ पर जाइंट्स लोग रहते हैं, यानी बहुत लंबे लंबे इंसान रहते हैं। फिर एला रात में अपने घर से जाइंट वेल की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसे लुसिंडा को ढूंढना है। रास्ते में उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो कि एक एल्प्स यानी बौने को मार रहे होते हैं। यहाँ पर इस बौने का नाम स्लैनन है, लेकिन तभी यहाँ पर एला उस आदमी से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर स्लैनन उसे कहता है कि इस आदमी को मारो और यह मारने लगती है। फिर स्लैनन इसे जैसे जैसे कहता है एला ठीक उसी तरह से इन लोगों की पिटाई करती है और फिर स्लैनन को छुड़ा लेती है। तभी यहाँ पर स्लैनन उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है और एला इसके साथ चली आती है। यहाँ पर स्लैनन बताता है उसे कि वह एक वकील बनना चाहता है, लेकिन यहाँ लामिया साम्राज्य में एल्प्स लोग सिर्फ नाचने और गाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वह नाचना और गाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि एला के घर पर चार के राज्याभिषेक का इन्विटेशन एला के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एला नहीं होती है इसलिए उसकी सौतेली माँ ओल्गा अपनी बेटियों से कहती है कि हम लोग जाएंगे। दरअसल यहाँ पर ओल्गा भी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी चार से हो जाए। इधर स्लैनन और एला लुसिंडा को ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं, तभी इन्हें रास्ते में ओगड़ी पकड़ लेते हैं। ओगड़ी दरअसल मॉन्स्टर होते हैं, ये लोग इंसानों को खाते हैं। ये लोग बहुत भूखे होते हैं और इसीलिए एला को ये लोग कहते हैं कि जाओ और बर्तन में बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पर स्लैनन उसे रोकता है और कहता है कि ये सब भूल जाओ। फिर ये लोग स्लैनन को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं और यहाँ पर ओगड़ी एला को बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और बिल्कुल भी मत हिलना। फिर ये लोग एला को बांध करके बर्तन के ऊपर लटका देते हैं और बर्तन के नीचे आग लगी होती है, यानी कि अब ये लोग एला को खाने वाले हैं। और ये लोग एला को बर्तन में डालने वाले ही होते हैं, तभी यहाँ पर चार आ जाता है। यहाँ पर वह ओगड़ी से ये भी पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता को ओगड़ी ने ही मारा है। तो ओगड़ी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, बल्कि वो एक अच्छे इंसान थे और हम लोग उसे क्यों मारेंगे। फिर चार यहाँ पर ओगड़ी को भगा देता है और एला और स्लैनन को यहाँ पर रिलीज करवा देता है। तभी यहाँ पर एला उसे कहती है कि मुझे अपनी नानी को ढूंढने जाना है, तो स्लैनन एला को कहता है कि चार को भी अपने साथ चलने के लिए कहो, और एला ऐसा ही करती है और चार को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। रास्ते में इन दोनों की बातें होती है जहाँ पर एला चार को बताती है कि स्लैनन एक वकील बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारे राज में एल्प्स को सिर्फ नाचने और गाने दिया जाता है, इन्हें कोई और काम करने नहीं दिया जाता है। तभी चार कहता है कि वो अपने चाचा एडगर से इसकी बात करेगा, लेकिन एला इसे कहती है कि तुम भी तो अब राजा बनने वाले हो, तो तुम जब राजा बन जाओगे तो इस नियम को बदल देना। लेकिन यहाँ पर चार का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसे देख करके एला गुस्सा हो जाती है और यहाँ से आगे निकल जाती है। फिर रास्ते में इन्हें जाइंट्स लोग दिखाई देते हैं जो कि खेतों में काम कर रहे होते हैं, जिन पर एडगर के आदमी लोग बहुत ही अत्याचार करते हैं। एला यहाँ पर चार को बताती है कि किस तरह से उसके चाचा यहाँ पर सभी लोगों पर अत्याचार करते हैं।
तो चार यहाँ कहता है कि एडगर को हो सकता है कि इसके बारे में पता ना हो, और वह इसके बारे में एडगर को जरूर बताएगा और उसके चाचा इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर ये लोग जाइंट वैली पहुँच जाते हैं जहाँ पर शादी की डांस पार्टी चल रही होती है, और यहाँ पर एला लुसिंडा के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि लुसिंडा यहाँ से जा चुकी है और उसे नहीं पता है कि लुसिंडा कहाँ पर है। यहाँ पर चूंकि डांस पार्टी चल रही होती है इसलिए यहाँ पर एक जाइंट स्लैन को बोलता है कि तुम गाओ, लेकिन एला बोलती है कि इसे गाना नहीं आता, तो जाइंट्स बोलता है कि फिर तुम गाओ, और एला तुरंत ही गाने लगती है। फिर इसे नाचने के लिए कहा जाता है और ये नाचने भी लगती है। यहाँ पर एडगर का जासूस हेडसन भी होता है जो कि इन्हीं के साथ छिप करके इनकी जासूसी कर रहा होता है। पार्टी के बाद यहाँ पर एला बताती है कि मुझे लुसिंडा को ढूंढना ही होगा, तो चार कहता है कि हो सकता है कि हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि लामिया में है जहाँ पर सभी लोगों के रिकॉर्ड्स रहते हैं वहाँ पर तुम्हें लुसिंडा का पता चल सके, और चार उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। एला यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती है, मतलब अब ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अगले सुबह ये लोग अब चार के महल पहुँचते हैं जहाँ पर चार एला को अपने चाचा एडगर से मिलवाता है। यहाँ एडगर एला को मुस्कुराने के लिए कहता है तो एला अपना दांत दिखा करके मुस्कुराने लगती है। फिर चार उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए लाया हूँ, तो एडगर यहाँ पर एला को कहता है कि फिर जंप करके जाओ, तो एला यहाँ पर जंप करते हुए जाने लगती है। दरअसल एडगर ने यहाँ पर एला को इसलिए ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उसके जासूस हेडसन ने इसे बताया है कि एला में कुछ गड़बड़ है, यानी एला कुछ अजीब है। फिर एला हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में आती है और लुसिंडा का पता ढूंढने लगती है, लेकिन इसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उधर चार भी अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रहा होता है तभी एडगर से वह बोलता है कि वह एला से शादी करना चाहता है और उसे आज रात को वह प्रपोज करेगा। इधर एडगर के पास हैटी और ओलिविया आती हैं जो कि एला की सौतेली बहनें हैं, और यहाँ हैटी एडगर को बताती है कि आप एला को जो भी करने के लिए ऑर्डर देंगे वह उस काम को मना नहीं कर सकती और उसे करना ही होगा ये। इधर एला को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिलता इसलिए वह बेनी से पूछती है कि लुसिंडा कहाँ पर है, तो बेनी उसे दिखाता है कि लुसिंडा लामिया हाइट्स में है। तभी यहाँ पर एडगर एला के पास आ जाता है और उसे चेक करने के लिए बहुत सारी बातें कहता है जिसे एला तुरंत ही करती है, और लास्ट में उसे कहता है कि तुम्हें आज रात में चार प्रपोज करने वाला है और जब वह तुम्हें प्रपोज कर रहा होगा तो तुम्हें उसे मारना होगा। एला यहाँ पर मना कर देती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एडगर ने उसे ऑर्डर दिया है इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मानना पड़ता है। फिर एडगर उसे जाने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। अब चूंकि एला अपने श्राप से मजबूर होती है इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है, और उसे ये भी बताता है कि चार के पिता को उसी ने मारा है। फिर महल से निकल करके एला चार को चिट्ठी लिखती है और उसे बताती है कि वह उससे कभी भी नहीं मिलेगी, जिसे चार का दिल टूट जाता है। इधर एला लामिया हाइट्स में पहुंच जाती है जहां पर स्लैन को वह कहती है कि मुझे पेड़ से बांध दो, और स्लैन उसे बांध देता है, साथ ही वह उसे कारण भी पूछता है ऐसा करने का, लेकिन चूंकि एडगर ने उसे ऑर्डर दिया होता है इसलिए यहां एला कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन स्लैन को कहती है कि तुम जाओ और बेनी को ढूंढो क्योंकि बेनी अभी भी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में ही होता है, और चार को एडगर से दूर ले जाने के लिए भी कहती है। फिर यहाँ लुसिंडा भी आ जाती है जिसे एला देख करके पहचान जाती है, और वह लुसिंडा को कहती है कि तुमने मुझे बचपन में एक गिफ्ट दिया जो कि अब मेरे लिए परेशानी बन चुका है, इसलिए तुम अपना गिफ्ट वापस ले लो। लुसिंडा मना कर देती है, लेकिन एला उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही बुरा होगा। तभी लुसिंडा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में एला को जंजीरों से खोल देती है और उसे कपड़े भी बदल देती है, और फिर उसे महल की तरफ जाने के लिए कहती है। एला को चूंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है इसलिए वह अब महल में पहुंच जाती है जहाँ पर वह चार से टकराती है, और चार उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे यहाँ पर प्रपोज करने लगता है। तभी एला अपने पीछे से एक चाकू निकालती है और चार को मारने वाली होती है। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है, उसकी माँ ने उसे बचपन में कहा था कि कोई भी जादू तुम्हारे मन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है, इसलिए जिस काम को तुम दिल से करना नहीं चाहती हो कोई भी श्राप तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता है, और इसीलिए वह अपने आप को इस श्राप से मुक्त कर लेती है ये, क्योंकि वह चार को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती। तभी यहाँ एडगर के सिपाही आ जाते हैं और एला के हाथों से चाकू घबराहट में गिर जाता है, जिसे चार देख लेता है और समझता है कि एला ने उसे मारने की कोशिश की है। तभी एडगर भी पहुँच जाता है
और अपने सैनिकों को कहता है कि एला को जेल में बंद कर दो। इधर स्लैनन अपने साथ में बहुत सारे बौने और जाइंट्स को लेकर के महल के पास आ जाता है और बेनी को भी ढूंढ लेता है। यहाँ पर उसका साथ ओगड़ी भी देते हैं क्योंकि ये लोग भी एडगर को मारना चाहते हैं। फिर ये लोग छिप करके महल में पहुंच जाते हैं और महल में पहुंच करके ये लोग एला को रिलीज करवा लेते हैं। तभी एला यहाँ पर बेनी से पूछती है कि एडगर कहाँ है, तो बेनी उसे दिखाता है कि एडगर चार के मुकुट में जहर रख रहा है ताकि चार जब अपने राज्याभिषेक में उस मुकुट को पहने तो उसकी मौत हो जाए। अब यहाँ पर चार का राज्याभिषेक हो रहा होता है। चार भी यहाँ पर बड़े उदास मन से आता है क्योंकि वह समझ रहा होता है कि एला ने उसे मारने की कोशिश की है और वह उदास मन से उस मुकुट को पहनने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर एला और स्लैनन और बाकी के सभी लोग पहुँच जाते हैं। फिर एडगर अपने सैनिकों को इनको मारने के लिए भेजता है और फिर इन सभी के बीच में बहुत ही मजेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मैंडी बेनी को भी जादू से इंसान बना देती है और फिर लड़ाई के बीच में ही चार और एला अपने मन की बात एक दूसरे को बताते हैं। तभी एला उसे ये भी बताती है कि एडगर ने ही तुम्हारे पिता को मारा है, जिसे एडगर तुरंत ही मना कर देता है। तभी एडगर का जासूस साहब हेडसन चार पर अटैक करता है, जिसे एला अपने पैरों से दूर फेंक देती है। चार अब समझ जाता है कि एला सच कह रही थी और एडगर से पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा था। तो एडगर कहता है क्योंकि मुझे राजा बनना था और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वह गलती से उस मुकुट को पहन लेता है जिसमें उसी ने जहर मिलाया होता है और उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर फाइनली यहाँ पर लड़ाई खत्म हो जाती है और चार और एला एक दूसरे को किस करते हैं और चार एला से शादी के लिए पूछता है, तो फिर यहाँ पर एला भी हाँ कर देती है और फिर इनकी शादी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए।